नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ है मिसेज सुधा रानी जी, जिनकी एज 45 इयर्स है। ये दिल्ली में रहती हैं और इनको लगभग 2 वर्ष से अधिक से पेट की समस्या थी। इनको कौड़ी की समस्या थी, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, पेट ठीक नहीं रहता था, नाभि अपनी जगह पर नहीं थी, यानी कि लेवल अपसेट थी, नींद की बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी, पूरे शरीर में दर्द रहता था और दोनों पैरों में दर्द रहता था। जब हमने इनको चेक किया तो पता चला कि इनको आईबीएस की दिक्कत है, यानी कि जो भी इन्होंने टेस्ट कराए, इन्होंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराए, ब्लड टेस्ट कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाए, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए, कई बार अल्ट्रासाउंड हुए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। और इनका वजन निरंतर 7 से 8 किलो कम हो चुका है। आप देख पा रहे कि इनकी क्या हालत हो चुकी है। केवल इन्होंने अभी हमारे पास 3 ट्रीटमेंट लिए हैं, यानी कि 3 दिन इनको हमारे पास आते हुए हुए हैं। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, इनके साथ इनके पुत्र हैं। ये आपको बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने किन किन डॉक्टर्स को दिखाया, क्या रिपोर्ट्स कराई, और 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनको कितना आराम है। भाई, इनको कितने दिन से दिक्कत है लगभग? सर, इनको तकरीबन 2 साल 1.5 साल के आसपास से दिक्कत है, और ये मतलब कुछ भी खाते तो इनको लगता नहीं शरीर में, कुछ भी खाते लगता नहीं, कुछ नहीं लगता। और जब भी डॉक्टर के पास जा रहे थे, हम लेके जाते थे इनको, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं पे भी, तो कोई गैस बता देता था, कोई बोल देता था कि सूजन है, ठीक है, हाथ में सूजन है, कोई बच्चेदानी में सूजन है, इस तरीके से। तो इसका इलाज करवाया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ पता ही नहीं चला, उन डॉक्टरों को भी पता नहीं चला कि चक्कर क्या है। फिर मैं यहाँ लेके आया, वो भी यूट्यूब के जरिए यहाँ लेके आया, तो अभी 3 दिन हुए, 3 दिन में बहुत आराम। अभी 3 दिन ट्रीटमेंट लिया, कितना आराम है आपको, किस किस चीज में आराम है? सब में आराम है, पैर में भी आराम है, पेट में भी आराम है जी। इनको पैरों में दर्द था, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, और पूरे शरीर में ऐठन होता था, रात को सो नहीं पाती थी, पूरी बेचैन, मतलब चल रही है, चलने के बाद किसी एक जगह को पकड़ के पांव को ऐसे ऐसे करती थी, तब जाके इनको आराम मिलता था। हाँ, अभी पैर में आराम है पूरा, पेट ठीक है, खाना खाने के बाद खाना खाते थे उसके बाद उल्टी आती थी, अभी वो तो नहीं आ रही, गैस एसिडिटी पहले से ठीक है, पेट साफ हो रहा है, अभी पहले गोला सा भी पता लगता था, गोला सा पता था, उसकी क्या स्थिति है, खड़े होने एक बार सारी ये आप देख रहे हैं इनकी पेट की स्थिति क्या थी। जब मैं इनको चेक कर रहा था पहले दिन, तो इनको बहुत हैवीनेस थी, बहुत दर्द था, नाभि अपनी जगह से हटी हुई थी, लोअर एब्डोमेन में, जिसे हम नलिया की समस्या बोलते हैं, बहुत जबरदस्त समस्या थी, यानी कि इनका जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, क्योंकि आईडीएस मतलब इंटेस्टाइन संबंधित दिक्कत, और उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन की दिक्कत, उसका जो प्रोसेस है मल को आगे पुश करने का, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, अभी आप देख पा रहे हैं इनका पेट भी काफी सॉफ्ट हो गया है, पेट में दर्द था, जरा सा टच करने में इनको दर्द था, वो भी नहीं है, और मैं जरा सा टच करता था तो ऐसे गड्ढा सा हो जाता था, जैसे स्वेलिंग वाले को हो जाते। अभी इनकी कौड़ी भी बिल्कुल ठीक है, नाभि अपनी जगह पर आ गई है, लोअर एब्डोमेन में जो सूजन थी, दर्द था, वो अभी इनको नहीं है, खाना प्रॉपर खा पा रहे हैं, खाना पच पा रहे हैं, नींद भी प्रॉपर आने लगी है। बैठ, 3 दिन के ट्रीटमेंट से इनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अभी इनका पेट भी साफ हो रहा है, पेट साफ हुआ, नींद प्रॉपर आ रही है, गैस एसिडिटी भी नहीं है। बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट को महसूस किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या हो तो वो न्यूरोपैथी के कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उनके पास ही आए, यहाँ पे भी आए, बहुत अच्छी जगह है, मतलब मैं यहाँ पे आया, मेरे को बहुत तसल्ली है, मतलब और जगह से बेस्ट है, और मतलब ध्यानपूर्वक करते हैं यहाँ पे जो भी काम करते हैं, और थेरेपी भी काफ़ी देर तक देते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट दिया और बढ़ा दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया है, मतलब जो भी है, मेरे को यहाँ आके पूरी तसल्ली मिली है, पूरी तरह से तसल्ली मिली। दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत है पेट संबंधी, नाभि, नली, कौड़ी, धरण, आईबीएस, जैसा सुधा जी आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप देख रहे हैं इनकी क्या कंडीशन हो चुकी है, वजन कितना घट चुका है, खाना बिल्कुल बंद हो चुका था, क्योंकि खाती थी और उल्टी जैसा इनको हो जाता था, इसलिए डर की वजह से खा भी नहीं पा रही थी, इस वजह से कमजोरी भी हो रही है, वीकनेस हो रही है, अभी ये खाना भी खा पा रही है, गैस एसिडिटी में भी आराम है,
खाना पच भी पा रहा है और पेट भी साफ हो पा रहा है। आपको ना भी नले कौड़ी धरण आईबीएस या कोई अन्य समस्या भी है तो आप बिना समय गवाए हुए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ना इसमें कोई दवाई है, ना कोई दर्द है, ना कोई मशीन है, ना कोई साइड इफेक्ट है, इफेक्टिव इफेक्ट है। कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद आप 100% क्योर हो सकते हैं। अभी तो सुधा जी को केवल 3 दिन ही हुए और 3 दिन में आपके सामने ये खुद एक उदाहरण है जिनको एक आश्चर्यचकित रिजल्ट देखने को मिले हैं। मैं बाकी लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी दिक्कत क्रॉनिक हो जाती है तो ठीक होने में समय लगता है। अगर आपकी बीमारी अभी आई है और आप समय से ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद आप बहुत कम समय में 100% क्योर हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।